हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्स बाय विनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट पोटैटो वेफर्स, जिसके लिए मैंने 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं। इसको मैंने धो के अच्छे से काट लिया है पोटैटो कटर से। ये देखिए, जिस तरीके से आपके पास घर पे ग्रेटर होता है उसमें जो ये वाली साइड है ये पोटैटो कटर के लिए दी होती है, तो इसी से मैंने पोटैटोस को इस तरीके से थिनली काट लिया है। फिर हमें चाहिए सॉल्ट और ऑयल फॉर फ्राइंग। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट पोटैटो वेफर्स। अब एक बोल में मैंने पानी डाल के ये सारे आलू के जो हमने चिप्स बनाने हैं इनको पानी में डुबो के रख दिया है। इसको हम 15-20 मिनट तक इसी तरीके से पानी में रहने देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने एक ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने एक साफ और सूखा कपड़ा रख दिया है। अब हमें क्या करना है, ये आलू के स्लाइसेस उठाने हैं और इस तरीके से इस ट्रे पे बिछाते जाने हैं इस कपड़े के ऊपर। इसी तरीके से हम सारे आलू के स्लाइसेस इस तरीके से इस कपड़े के ऊपर फैला देंगे। सारे आलू के स्लाइसेस मैंने अच्छे से कपड़े के ऊपर फैला लिए हैं। अब मैं इसको पंखे की हवा में 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। आलू के स्लाइसेस हमारे अच्छे से सूख चुके हैं। एक तरफ मैंने एक पैन में ऑयल रख दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए, तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम आपको मीडियम टू लो रखना है, ज्यादा तेज नहीं करना है। अब मैं एक एक स्लाइस करके उठाऊंगी और इसको ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। आपको मेक श्योर करना है कि आलू आपके पूरी तरीके से सूखे हुए हों, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर सुखाने के बाद भी आपको लगता है कि मॉइस्चर है तो आप उसको ऑयल में डालने से पहले एक कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे, तभी जो आपके वेफर्स हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। इसे आपको लगातार हल्के हल्के हाथ से चलाते जाना है और आपको मेक श्योर करना है कि जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इन पोटैटो वेफर्स को तलना है। अब मैंने एक प्लेट में किचन ताल लगा लिया है और इन चिप्स को मैं इस पर निकाल लूँगी और इस तरीके से डालूँगी। इसी तरीके से मैं बाकी के जो पोटैटो के स्लाइसेस हैं उनको भी डाल लूंगी और उनको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से तल लूंगी। इसको भी आपको पलट पलट के हल्के हल्के हाथ से चलाते जाना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए और क्रिस्पी हो जाए। इसी तरीके से देखिए, हमने सेकेंड लॉट के जो चिप्स हैं वो भी निकाल लिए हैं और उसको इस तरीके से प्लेट पे रखते जाएंगे। अब हमने अपना थर्ड लॉट तलने के लिए डाल दिया है, इसको भी हम पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसको क्रिस्पी होने तक तलेंगे। हमारा फाइनल लॉट भी रेडी हो चुका है, अब हम इसको भी एक प्लेट पे निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और लास्ट में जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें नमक मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इंस्टेंट पोटैटो वेफर्स बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी वेफर्स ये बने हैं। आप भी अपने घर में बच्चों को बाजार के वेफर्स खिलाने की बजाय घर के ये बने हुए फ्रेश, होममेड और हाइजीनिक तरीके से बनाए हुए वेफर्स बना के खिला सकते हैं। तो होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।